प्रिय संस्कृत मित्राणी नमः संस्कृताय। संस्कृत दिवाड़ी गंगा चैनल पर लघु सिद्धांत कौमुदी का प्रकरण कुछ पढ़ाया गया था और कुछ में हमने संज्ञा प्रकरण और अच संधि प्रकरण को पढ़ाया था। उसी क्रम में हमने जब अच संधि प्रकरण समाप्त हो गया तो उस वहाँ पर हमने वीडियो को छोड़ दिया था। अब उसी के आगे अब हम हल संधि प्रकरण को पढ़ेंगे और हल संधि प्रकरण पढ़ने से पहले इसका जो मंगलाचरण है कि नत्वाम सरस्वतीम देवी शुद्धाम गौर्ण्याम करोम्यहम और पाणनीय प्रवेशाय लघु सिद्धांत कौमुदी, हे सरस्वती देवी मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझ में शुद्धता प्रदान कीजिए, क्योंकि मैं अब पाणनी को ग्रंथों को जानने के लिए लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रवेश कर रहा हूँ। तो इस मंत्र को उच्चारण करते हुए आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी में हल संधि प्रकरण का पहला सूत्र पढ़ेंगे और पहला ही सूत्र है हल संधि का अस्तोश्चुनाश्चु। सूत्र क्या है एक बार, अस्तोश्चुनाश्चु, क्योंकि जो संस्कृत पढ़ रहे हैं उनके लिए ये आसान होगा उच्चारण करना, लेकिन जो हिंदी मीडियम से होंगे, क्योंकि लघु सिद्धांत कौमुदी हमारे LT में है, PGT में या हायर एजुकेशन में मिलता है, तो आगामी जो सूचनाएं आ रही हैं कि LT की वैकेंसी आने वाली है, तो उसी के आधार पर अब हमने इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाया है। हमारे प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपको वहां पर संज्ञा प्रकरण और स्वर संधि प्रकरण था अच संधि प्रकरण संपूर्ण मिलेगा, सूत्र वाइज मिलेगा। तो आप जो है प्लेलिस्ट में जाकर उसको देखिए। और आज हम हल संधि प्रारंभ कर रहे हैं। हल संधि का पहला ही सूत्र मिला अस्तोश्चुनाश्चु। तो यहाँ पर कुछ ध्यान देने योग्य बात है, जो षष्ट्यंत पद होगा, षष्ठी विभक्ति से युक्त पद होगा, वह अस्थानी होगा। वह क्या होगा? अस्थानी होगा। जो प्रथमांत होगा, जो तृतीयांत होगा, वह पर पद होगा, और जो प्रथमांत होगा वह हमेशा आदेश होगा, यहाँ पर बिंदी रहेगी। तो कहने का तात्पर्य है अस्तो षष्ठी विभक्ति से युक्त है, सचुना यह जो है तृतीयांत पद है, और सचु यह जो है आपका प्रथमांत पद है। तो इदम सूत्रम त्रिपदम, माने इस सूत्र में त्रिपद हैं, तीन पद हैं, अस्तो चुनाश्चु। तो कभी कभी LT के पेपर में पूछ देगा आपसे कि अस्तो चुनाश्चु में कितने पद हैं, तो तीन पद हैं, और इसकी वृत्ति लिखी गई कि सकार त वर्गयो, सकार त वर्गयो और सकार च वर्गाभ्याम योगे सकार च वर्गौ स्तः। बताया गया कि सकार त वर्ग के बाद क्या क्या है, सकार माने दंती, सकार और त वर्ग के, त वर्ग माने पांच वर्ग होते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। तो यहाँ बताया गया कि तालव्य क्षम्यताम दंती सकार और त वर्ग के बाद त थ द ध और न के बाद यदि सकार च वर्ग, यदि सकार च वर्ग के वर्णावें माने तालव्य सकार च वर्ग च छ ज झ य के आए तो क्या हो जाएगा, सकार का तालव्य सकार हो जाएगा और त वर्ग का च वर्ग हो जाएगा सकार च वर्गयो। तो सकार त वर्ग हमने बताया जो षष्ठी से युक्त पद होगा, षष्ट्यंत पद से सूत्र में युक्त पद होगा वह हमेशा स्थानी होगा, तो षष्ठी से युक्त पद अस्तो है, तो स्थानी हो गया, यह इसी के स्थान पर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इस दंती स के स्थान पर स हो जाएगा, पर च वर्ग हो जाएगा, च छ ज झ य। कहने का तात्पर्य यही है कि सकार त वर्ग के बाद सकार च वर्ग के वर्ण आने पर सकार त वर्ग के स्थान पर सकार च वर्ग के वर्ण हो जाएंगे। सूत्र और वृत्ति यही बता रही है। सूत्र संख्या 8440, सूत्र संख्या क्या है, आठवें अध्याय के चौथे पाद का 40वां सूत्र है। देखो LT में लघु सिद्धांत कौमुदी दिया गया है, जैसे TGT में आपका
बाबूराम सक्सेना का हम व्याकरण पढ़ते हैं तो बाबूराम सक्सेना का जो व्याकरण है सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी का मिला स्वरूप है। और यहाँ पर हम केवल लघु सिद्धांत कौमुदी के आधार पर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर बताया गया कि सकार त वर्ग यो सकार त वर्ग के बाद सकार च वर्गाभ्याम सकार च वर्ग के आने पर योगे दिया योग होने पर क्या हो जावे सकार च वर्गो स्त सकार च वर्ग हो जावे। तो इसको साधारण से भाषा में बताया जाए जिससे हम समझ सकें कि दंती सकार और त वर्ग आने पर तालव्य सकार च वर्ग हो जाता है। ये दंती सकार त वर्ग के बाद तालव्य सकार च वर्ग के वर्ण आने पर दंती क्षम्यताम तालव्य सकार च वर्ग हो जाता है। यहाँ तक क्लियर है? तो अब यह उदाहरण नीचे लिखा गया। देखो उदाहरण का कहाँ से पूछते हैं, या तो ग्रंथों से पूछेंगे या लघु सिद्धांत कौमुदी में दिया है जो आपके एलटी में होगा पाठ्यक्रम उसमें जो ऐसे शब्द आएंगे वहाँ से उठाएगा उदाहरण। तो इसीलिए हमें टेक्स्ट बुक पढ़ना चाहिए ताकि हम शब्दों को समझ सकें, हाँ यहाँ से यह शब्द लिया गया है। तो इस नियम के आधार पर एक उदाहरण दिया गया रामस्यते। क्या दिया गया? रामस्यते। तो जब इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा रामस प्लस सेते। क्या हो जाएगा? रामस प्लस सेते। अब यहाँ देखा गया कि दंती सकार के बाद तालव्य सकार आ रहा था, सारे नियम इस अस्तोष चुनासु के बैठ रहे थे। जब इसका नियम बैठ गया तो अब यहाँ पर स था और उसके बाद यह स था। इस नियम के आधार पर दंती सकार के स्थान पर स्थानी है क्योंकि अस्तोह से इसका बोध हो रहा है, षष्ट्यंत पद से इसका बोध हो रहा है। स्थानी के स्थान पर क्या हो जाएगा? इस तालव्य क्षम्यताम दंती सकार के स्थान पर तालव्य सकार हो जाएगा। तो यहाँ पर स हो गया। अब इसको जब वर्ण सम्मेलन करेंगे, तो बन जाएगा राम, जो दंती सकार था वह तालव्य सकार में बदल गया, बनेगा रामस्यते। क्या बन गया? रामस्यते। एक बार नियम को समझ लें कि अस्तोष चुनाशु सूत्र है कि दंती सकार त वर्ग के बाद तालव्य सकार च वर्ग के वर्ण आएंगे तो क्या हो जाएगा? दंती स तालव्य स में बदल जाएगा और त वर्ग च वर्ग में बदल जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? एक उदाहरण मिला लघु सिद्धांत कौमुदी में रामस्यते। देखो एक सूत्र वाइज हम आपको पढ़ाएंगे, भले ही हम एक दो सूत्र पढ़ाएं लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पर हो गया रामस प्लस सेते। रामस के जो अंतिम पद था वह दंती स था और पर वर्ण जो था वह तालव्य था, इसीलिए दंती सकार स्थानी के स्थान पर तालव्य स आदेश हुआ और रूप बना रामस सेते। अब दूसरा हम उदाहरण लेते हैं। दूसरा उदाहरण दिया है रामस चिनोति। दूसरा उदाहरण क्या दिया है? रामस चिनोति। दूसरा उदाहरण हमारा ये है रामस चिनोति। यहाँ पर भी वही नियम लगेगा कि दंती सकार के बाद च वर्ग आ रहा है, सूत्र के सारे नियम बैठ गए अर्थात सारे सूत्र के कंडीशन इस पर बैठे हुए हैं कि दंती सकार के बाद तालव्य च वर्ग आ रहा है, इसीलिए इस दंती स के स्थान पर तालव्य स हो जाएगा और नया रूप बनेगा रामस के। उदाहरण दिया गया कि रामस चिनोति, सारे कंडीशन बैठ गए कि दंती सकार के बाद च वर्ग के वर्ण आ रहे थे और सूत्र भी कहता है अस्तोह के बाद सचुना आने पर क्या हो जाएगा? सचुत्त हो जाएगा। तो दंती स के बाद च वर्ग आ रहा था इसीलिए दंती स के स्थान पर क्या हो गया? तालव्य स हो गया। और जब बनाएंगे तो बन जाएगा रामस चिनोति। क्या बन गया? रामस चिनोति। यहाँ तक समझ में आ गया? अगला उदाहरण जो है उसी लघु सिद्धांत कौमुदी के किताब में दिया गया सच्चित। क्या दिया गया? सच्चित दिया गया।
तो इसको थोड़ा सा हम हटा दें। क्या दिया गया है? सचित। इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा सत प्लस चित। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो यहाँ दिया गया कि सूत्र आया अस्तो सुनासो, सूत्र लगा। तो सूत्र का नियम था कि त वर्ग के बाद च वर्ग के वर्ण आएंगे तो त वर्ग के स्थान पर। हम त वर्ग के स्थान पर क्यों करें? क्योंकि यह षष्ट्यंत पद है, षष्ठी विभक्ति लगी है, इसमें तृतीया है, इसमें प्रथमा है। जो षष्ठी विभक्ति से युक्त तो होगा वह स्थानी होगा, स्थानी के ही स्थान पर आदेश होता है। जो प्रथमांत पद होता है वह हमेशा आदेश होता है। तो सचु क्या है? सव तालव्य सव च वर्ग आदेश है। तो यहाँ बताएगा स्थानी के स्थान पर, तो स्थानी त है तो इस त के स्थान पर क्या हो जाएगा? च वर्ग हो जाएगा। समस्या हो गई, च वर्ग में हमारे जो है पांच अक्षर थे। अब इस त वर्ग के स्थान पर कौन सा अक्षर रखा जाए? तो एक सूत्र है यथासंख्यम अनुदेशम समानम कि सम संबंधी। इसका जब वृत्ति पढ़ेंगे आपको वहाँ पर पढ़ाया गया होगा स्वर संधि प्रकरण में कि आदेश और स्थानी की संख्या यदि समान होती है तो आदेश क्रम से होते, जिस क्रम में स्थानी होता है उसी क्रम में आदेश होते हैं। तो त वर्ग अपने वर्ग का पहला स्थान था, उसी तरह आदेश में भी च वर्ग अपने स्थान का पहला स्थान था, अपने वर्ग का। इसीलिए त वर्ग के स्थान पर च वर्ग होगा, थ के स्थान पर छ होगा, द के स्थान पर ज होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह अपने स्थानी का तीसरा वर्ण है, तो आदेश में भी अपने वर्ग में जो होगा तीसरा वर्ण ही होगा। ड के स्थान पर ज होगा, न के स्थान पर यह होगा। तो इस त के स्थान पर च वर्ण हो गया। जब इसको वर्ण सम्मेलन करेंगे तो क्या बन जाएगा? सचित। क्या बन जाएगा? सचित। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? अब आगे बताया गया, एक और उदाहरण दिया गया कि सारिंगजय। क्या दिया गया? सारिंगजय। ये विसर्ग छूट गया था, तो सारिंगजय का जब हम देख लेते हैं इसमें क्या है, जिसे कभी कभी प्रश्न पूछ देता है जानने के लिए, तो हम साधारण से जानते हैं स त च फिर तालव्य स च वर्ण आएंगे तो तालव्य स और च वर्ग हो जाएगा। लेकिन जब अंदर घुसकर पूछा जाता है तो हम दुविधा की स्थिति में पहुंच जाते हैं कि त वर्ग के स्थान पर चार पांच वर्ण आदेश हो रहे थे, त के स्थान पर च क्यों हुआ? तो एक सूत्र हमने बताया था यथासंख्यम देश, कहने का तात्पर्य यही है यथासंख्यम सूत्र के द्वारा जो है त के स्थान पर च हुआ। भाई पांच वर्ण थे, कैसे निर्णय करोगे? तो इसीलिए लोक सिद्धांत कौमुदी में पहले ही बता दिया गया स्वर संधि प्रकरण में कि सम संबंधी, यदि स्थानी और आदेश की संख्या समान होगी तो जो स्थानी का क्रम होगा उसी तरह आदेश का भी क्रम होगा। यदि स्थानी पहले स्थान पर है अपने वर्ग में तो आदेश भी अपने वर्ग में पहले स्थान पर होगा। क्लियर हो गया? तो त पहले स्थान पर था इसलिए त की जगह च हो गया, छ नहीं होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अगला उदाहरण लेते हैं, दिया है सारिंगी। सारिंगी तो उदाहरण है। अब यहाँ देखा गया कि नकार के बाद ज था, नकार था, नकार के बाद ज था। अब समस्या, यहाँ सूत्र के सारे नियम यहाँ पर लागू हुए कि त वर्ग के बाद त वर्ग का न था के बाद च वर्ग के वर्ण होने चाहिए, च वर्ग का ज वर्ण था। तो स्थानी के स्थान पर अब जो है च वर्ग होगा, तो देखा गया स्थानी अनुनासिक वर्ण था, अर्थात मुंह और नाक से बोला जाता था। च वर्ग में ऐसा वर्ण खोजा गया। देखो हम कई प्रकार से जो है वर्णों को बिठाते हैं, तो यह जो है नाक से भी बोला जाता है वर्ण और मुंह से भी बोला जाता है। च वर्ग में देखा गया कि ऐसा कौन सा वर्ण है जो नाक और मुंह से बोला जाएगा। च वर्ण मुख से बोला जाता है, छ वर्ण मुख की उपयोगिता है, ज है झ है। लेकिन यह वर्ण ऐसा है कि जो नाक और मुंह से बोला जाता है, इसीलिए न के स्थान पर क्या हो गया?
यह हो गया, न के स्थान पर क्या हो गया, यह हो गया। जब इसको हम जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, या तो इस तरह से लिख लो सारिंग जय, क्लियर हो गया। इस प्रकार से भी हो जाएगा, ग नीचे ग पूरा, अर्थात लंगड़ा हमेशा कंधे पे बैठता है, इसीलिए जो नीचे वाला वर्ण होता है वह पूर्ण व्यंजन होता है, अर्थात स्वर स्वर सहित होता है। जो ऊपर का वर्ण ङ है वह हमेशा अर्ध होता है, अर्थात उसमें से स्वर निकला हुआ होता है या आधे व्यंजन होते हैं। तो जैसे यह ना है, कभी कभी हम लोग लिखते हैं ना, प्राप्त लिखते हैं, तो ये लिखिए प आधा है, र जो नीचे लगा है वह क्या है, पूरा है, प्रा बोलते हैं, रा पूरा बोलते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यही था कि सकार तय वर्ग के बाद सकार च वर्गाभ्याम योगे, जब योग होगा तो सकार च वर्गो अस्त। चार उदाहरण दिए गए, रामस्य ते, रामश्चिनोति, सच्चित। सच्चित में आपको थोड़ी समस्या रही होगी कि स्थानी के स्थान पर पांच वर्ण आदेश हुए थे, हमने उसका बताया। एक सूत्र है यथा संख्यम अनुदेशम समानाम, तो वह सूत्र क्या बताया कि स्थानी और आदेश की संख्या समान होगी, तो जैसा स्थानी का क्रम होगा उसी तरह आदेश भी होगा। और सारिंगज में हमने बताया कि न वर्ण जो है मुख और नाक दोनों से बोला जाता था, इसीलिए न के स्थान पर यह हुआ, च छ ज झ वर्ण नहीं होंगे। अब हम आते हैं अगले सूत्र की तरफ, और अगला सूत्र दिया गया है सात। अगला सूत्र क्या दिया गया है, सात। तो सात सूत्र को समझने के लिए एक सूत्र 8441 पर मिलेगा, वह सूत्र होगा तोसी। क्या सूत्र है, तोसी। वहाँ से तो की अनुवृत्ति आ जाएगी, तो की अनुवृत्ति आ जाएगी, और न पदंता टोर नाम से न की अनुवृत्ति आ जाएगी, किसकी, न की। समझ में आ गया, ये अनुवृत्ति का नियम होता है, ये अनुवृत्ति का क्या होता है, नियम होता है। सात माने सकार के बाद, सात का अर्थ क्या हो गया, सकार के बाद, त वर्गस, त वर्ग होने पर चुत्व न स्यात्, इसे लिखा है सकार तो न। तो कहने का तात्पर्य है सात परस माने सकार के बाद त वर्ग के वर्ण आने पर चुत्व न स्यात्, चुत्व संधि नहीं होगी, यथा चुत्व नहीं होगा, च वर्ग नहीं होगा। यह जो है यह इस सूत्र का निषेध करता है, यह सूत्र सात इस सूत्र का निषेध करता है। आगे उदाहरण दिया गया, विष्ण है प्रश्न है, क्या उदाहरण दिया गया, विष्ण है प्रश्न है। तो विष्ण का देख लीजिए, विष प्लस न यही था। तो यहाँ बताया गया कि सात परस, तो यह स के बाद क्या है, त वर्ग का वर्ण होने पर, यह न का है, क्या है, यह जो न है वह त वर्ग का के अंतर्गत आता है। सचुत्व संधि के नियम लग रहे थे अस्तो सुनाश्चु सूत्र से, यह वर्ग आगे पीछे हो सकता है, कहीं नहीं लिखा है कि कौन सा वर्ग आगे होगा या पीछे होगा। समझ में आ गया, जब आप लोग सिद्धांत कौमुदी खोलेंगे तो वहाँ पर कहीं नहीं लिखा है कि पहले जो है स वर्ग ही होना चाहिए, त वर्ग होना चाहिए, त वर्ग बाद में भी हो सकता है, पहले भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक कंडीशन लगा दी कि तालव्य सकार के बाद यदि त वर्ग होगा तो वहाँ पर च्युत न स्यात् माने च वर्ग न स्यात् माने होए। सूत्र का अर्थ समझ लीजिए, सात परस माने सकार के बाद, पर माने बाद, त वर्गस, त वर्ग के वर्ण होने पर च्युत्व न स्यात्, च वर्ग न स्यात् नहीं होएगा। उदाहरण दिया लोक सिद्धांत कौमुदी में, विष प्लस न, और जब विष प्लस न दिया तो यहाँ पर सकार था, यह सूत्र का नियम लग गया, सात के बाद त वर्ग का वर्ण आ रहा था, इसीलिए यहाँ पर जब चुत्व नहीं होगा तो नया रूप बनेगा विष्ण है। क्या बनेगा, विष्ण है। यदि हो जाता दोनों कंडीशन, यदि हो जाता तब क्या बनता, एक गलत शब्द बनता, विषय बनता, जो कि यह पूर्णतया क्या है, गलत है, एक गलत शब्द बन जाता जिसकी कोई उपयोगिता नहीं थी। इसी तरह
एक और दिया गया प्रस प्लस न, यहाँ भी वही कंडीशन बैठे या वही नियम लगे, स के बाद त वर्ग आया, तो इसीलिए यहाँ पर यदि अस्तो सुनास्तु सूत्र के नियम बैठ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सात ने आकर क्या किया, अस्तो सुनास्तु सूत्र का निषेध किया और तुरंत यह सूत्र लगा, और यह सूत्र जब लगा तो यहाँ पर जो सच्युत नहीं हुआ तो क्या बन जाएगा, प्रश्न है, क्या बन गया, प्रश्न है। यदि यह सूत्र नहीं होता तो कभी भी प्रश्न नहीं बनता, प्रश्न बनता, जो कि एक गलत शब्द था, एक गलत शब्द का निर्माण करता। इसीलिए वरदाचार्य ने क्या किया, सात सूत्र की रचना की। तो कहाँ से आया, हमने बताया इसके पहले वाले सूत्र में, अर्थात 8 4 41, ये जो न आया है ये शायद 43 नंबर का सूत्र है, न पदांता टोर नाम, तो वहाँ से अनुवृत्ति आती है, क्योंकि 40 के बाद तुरंत सूत्र आप पढ़ेंगे अष्टुनाष्टो, क्या पढ़ेंगे, अष्टुनाष्टो, तो वहाँ पर अस्तो की अनुवृत्ति आएगी, अस्तोष्टुनाष्टो सूत्र पढ़ा जाएगा। वृत्ति कैसे आती है इसकी चर्चा कभी हम बाद में करेंगे, अभी फिलहाल सामान्य जानकारी के लिए जान लीजिए कि ऊपर से सूत्रों की जानकारी आती है, क्योंकि यह सूत्र शैली में लिखा गया है पाणिनि का व्याकरण, तो सूत्र का अर्थ ही होता है किसी चीज़ को संक्षेप में बताना। आप हिंदी का व्याकरण पढ़ेंगे अ आ क ख, जब तक पढ़ोगे हम अल कह देंगे, अल से संपूर्ण व्यंजन संपूर्ण स्वर का बोध हो जाएगा, अच कह देंगे स्वर हो गया, अब आ ई ऊ पढ़ते रहिए हम अच कहेंगे, हल कहेंगे संपूर्ण व्यंजन का बोध हो जाएगा। तो यहाँ पर आज हमने अस्तो सुनासु सूत्र को पढ़ा, सात को पढ़ा, और पढ़ने के बाद हमने रामस्येते रामश्चिन्हो सच्ची सारिंगजय इन सब शब्दों को जाना, फिर विष्णह को जाना, प्रश्नह को जाना, कि अगर यह सूत्र सात न बनता तो शब्द निरर्थक बन जाते, इसकी कोई उपयोगिता नहीं थी, गलत शब्द सिद्ध होते, इसीलिए जो है यहाँ पर सात सूत्र की रचना करनी पड़ी। तो यहाँ तक आप क्लियर हैं, समझ में आ गया, तो आगे हम जो है कुछ इसी के आगे वाले सूत्र की हम चर्चा करेंगे। अगला सूत्र हमारा अस्तोष्टुनाष्टु होगा, और उसके बाद तोसी भी मिलेगा, न पदांता टोरनाम भी मिलेगा, सारे सूत्र मिलेंगे, लेकिन सूत्र जो लोग सिद्धांत कौमुदी में थोड़ा सा आगे पीछे हैं तो पाणिनि के व्याकरण से नहीं पढ़ा रहे हैं कि सारे सूत्र एक क्रम में मिले, लघु सिद्धांत कौमुदी इसीलिए प्रसिद्ध हो गया, जहाँ जहाँ जिस सूत्र की आवश्यकता पड़ी उनका क्रम आगे पीछे करके बना दिया गया। जब हम जान गए कि सच्युत्व संधि होती है कि सकार त वर्ग के बाद सकार च वर्ग के वर्ण आएंगे तो, या योग होगा तो सकार च वर्ग होगा, तो वहाँ पर तुरंत उन्होंने कहा नहीं, यहाँ पर नहीं होगा, इसलिए तुरंत सूत्र डाल दिया सात, जबकि 40 के बाद 41 नंबर का हमें सूत्र पढ़ना चाहिए था। लेकिन वरदाचार्य जी बहुत उच्च कोटि के व्यक्ति थे, विद्वान थे, मूर्धन्य विद्वान थे, इसीलिए उन्होंने कहा नहीं, पहले इसको जान लो कहाँ चुत्व नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने तुरंत क्या लिखा, 40 के बाद तुरंत सूत्र डाला उन्होंने 8 4 44, आठवें अध्याय के चौथे पाठ का 44वां सूत्र बताया कि यहाँ पर चुत्व नहीं होगा, कहाँ पर, सकार के बाद, मैंने तालब्य सकार के बाद यदि त वर्ग के वर्ण आएंगे तो वहाँ पर चुत्व नहीं होगा, चुत्व होता प्रश्न बनता विषय बनता, लेकिन विष्णह और प्रश्न बना, क्लियर हो गया। तो यह हमारा लघु सिद्धांत कौमुदी का 2 सूत्र था, आगे हल संधि में इसके आगे की चर्चा करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए, कुछ भी आपको पूछना हो तो हमारे चैनल से जुड़िए। तो बस आज के लिए इतना ही, नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।